कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम हो गया, मैं अपने आप को शो नहीं कर रहा था कहीं पर भी, ना यूट्यूब पर, ना फेसबुक पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना कि मेरा कोई डांस का वीडियो आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? इसके पीछे काफ़ी कुछ रीजन थे। वो रीज़न आई थिंक आप लोग को नहीं पता है। कहते हैं ना यार, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए इतनी हद तक किसी चीज़ को मत छोड़ दो कि जब वो चीज़ हासिल ना हो ना तो पछताने के सिवा और कुछ रहे ना। वही हाल आज मेरा भी है। तो मेरे तो हाल काफ़ी बुरे हैं। एक मिनट, मैं माइक ऊपर ले लेता हूँ। रीज़न क्या था, मैंने क्यों इतना सब ड्रॉप किया? देखो, टाइम लगेगा, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा आज इस वीडियो के थ्रू। टाइम है तो आप लोग सुन लो, और जो गलती मैंने की है आप लोग मत करना, शायद आपके काफ़ी काम आए ये वीडियो, ठीक है ना? तो आज नहीं कहूँगा यार कि वीडियो को लाइक कर देना या शेयर कर देना या चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चल लीव इट। देखो, मैं छोड़ा इसलिए था क्योंकि सिंपल सी बात है यार, मुझे जी पैट क्वालिफाई करना था। क्योंकि एज़ वी नो कि बी फॉर्म के बाद, बी फार्मा के बाद कोई रेस्पेक्टेड जॉब है नहीं एक्सेप्ट क्वालिफाइंग जी पैट एंड डूइंग एम फार्मा थ्रू अ गुड कॉलेज, राइट? एज आई नो, आई डोंट नो अबाउट वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। एज आई नो, एज वॉट आई गैदर्ड नॉलेज एंड वॉट एवर सराउंडिंग सेज टू मी, सो आई जस्ट आई रिकॉग्नाइज द जी पैट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ इफ़ यू आर फार्मासिस्ट देन। बिकॉज द जी पैट सिलेबस कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट, ऑल द कम्पिटेटिव पॉइंट विच बाई विच यू कैन क्वालिफाई ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम। लाइक सिंपल सी है, फार्मासिस्ट जो गवर्नमेंट आती हैं, रेलवे में हो गया या आर्मी में हो गया, जितने भी फार्मासिस्ट अपियरिंग होते हैं, एम्स में जितने भी फार्मासिस्ट अपियरिंग होते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है जी पैट, ठीक है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? तो इसी सब चीज़ को यार मैंने सोच के मैंने सारी चीज़ें छोड़ी, और काफ़ी मेहनत भी किया, लेकिन वही है ना कि जब किस्मत में तुम्हारी, कहते हैं ना कि जब किस्मत में तुम्हारी घंटा ही लिखा हो ना, तो भाई कितना ही हाथ मार लो, कितना ही हाथ पैर मार लो, अंत में तुम्हें एक घंटा ही मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ आपकी, और मैंने अटेम्प्ट किया था 2021 में भी और 22 में भी। अभी 22 का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन आंसर सीट आ गई है, और जिससे मेरे रिज़ल्ट का भी पता लग गया है क्या रिज़ल्ट होने वाला है। और द रिज़ल्ट इज़ अगेन मिहिर तिवारी इज़ नॉट क्वालिफाइड, बट मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि देना तो जी पैट ही है। मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई ड्रॉप ड्रॉप मत कर, और आके कोई प्रोडक्शन में काम कर ले, या क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर ले, या क्वालिटी कंट्रोल में काम कर ले, बाहर आके काम कर लो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बिलीफ है यार कि चलो ठीक है, कब तक भगवान किसकी परीक्षा लेता है, कभी ना तो कभी देता है, लेकिन हाँ उसके लिए फिर ज़िद होनी चाहिए। वही ज़िद आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं, लेकिन समेटना है अपने आप को यार, और नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे। और क्या छूटा, क्या मुझसे रह गया, क्या मैंने गलतियाँ की, उसको देखेंगे, फिर से रिकवर करेंगे सारी चीज़ें, और नेक्स्ट टाइम आई विल डू डेफिनेटली, करना ही पड़ेगा क्योंकि द नेक्स्ट टाइम अगेन डू और डाई, दिस ईयर ऑल्सो डू डू एंड डाई द केस ऑन मी विच अप्लाइड ऑन मी, बस नेक्स्ट ईयर तो करना ही है। अच्छा, मैंने मेहनत क्या की, मैंने मेहनत की, कहते हैं ना कि भगवत गीता में मैंने लाइन पढ़ी थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मते संगोस्ता कर्मण्ये। कृष्ण की लाइनों को मैं फॉलो करता हूँ यार, कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, उसमें आसक्त ना हो, और काफ़ी कुछ कहते हैं। तो बस मैंने कर्म किया, आपकी किस्मत के भरोसे नहीं गया, लेकिन ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जब किस्मत में आपके घंटा ही घंटा सही है तो घंटा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्या घंटा ही लिखा रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे।
और मैंने ये सोचा है कि मैं पढ़ा रहा था आप लोग को ऑनलाइन, ठीक है, तो टीचिंग कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि टीचिंग में मेरा क्या रहेगा कि टीचिंग में मेरी कुछ चीज़ें जो छूटी हैं वो मेरी और कवर हो जाएंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल टीच द स्टूडेंट, एंड क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा और मेरा ये यूपी में रहता है, मेरा यूपी में पढ़ता है घर, तो मैं जाना चाहूँ तो बाहर जा सकता हूँ। पापा कहते हैं कि बेटा एम फार्मा ही करना है तो प्राइवेट कॉलेज से करो, लेकिन नहीं यार, जो बात गवर्नमेंट कॉलेज में है ना, जो किक गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है ना, वो आई थिंक किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी अदर कॉलेज में मिलती है। लाइक नाइपर वॉज माई ड्रीम एंड विल बी माई ड्रीम, इज़ माई ड्रीम और रहेगा। नाइपर के सिवा नहीं कदम रखना यार, चाहे जैसे चाहे जितना टाइम ले, नाइपर के अलावा नहीं, क्योंकि नाइपर में जो दम है, जो ओहदा, जो रुतबा, जो शान, और बाकी किसी में कहाँ यार। ये तो नाइपर है, तो BHU, IIT, BHU रैंक के लिए यार कर रहा था कि अंडर 100 रैंक आ जाए तो IIT BHU में जाएंगे या नाइपर में हो लिया टारगेटिंग। बट असफलता ही हाथ में थी तो वो लग गई है। और काफ़ी टाइम आप लोग के पास आए हैं और काफ़ी मुझे मैसेज भी आए थे, मैंने सब कुछ स्टॉप करना बंद कर दिया था, सबको मैंने स्टॉप कर दिया था। मैंने मेरे जो ग्रुप थे बिप सर के, अब तो नाम भी मैंने चेंज कर दिया, उसके भी से काफ़ी कुछ रीजन से कभी फिर डिस्कस करेंगे नाम मैंने क्यों चेंज किया। और तो ये सब मैंने छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ चलो भाई अच्छे से पढ़ लेते हैं और निकल जाएगा तो आपसे लोग से बात करेंगे, लेकिन वही है ना, नहीं निकला। मैंने कोशिश काफ़ी की, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चार्ट्स हैं, ये मेरा रूम है, मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे ये बनाए हुए नोट्स से क्वेश्चन आए नहीं थे, आए थे, मैंने कुछ गलतियाँ की वो मैं किसी अदर वीडियो में बताऊँगा, ये तो मेरा एज ए इंट्रो पार्ट था। तो काफ़ी कुछ मैंने प्रिपेयर कर रखा था, तो अब तो इसको रिवाइज़ करना है। और फिर वही है ना कि मैंने प्रैक्टिस कम की थी, एज आई नो कि प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेता तो शायद मेरा निकल जाता, लेकिन शायद वायद नहीं, आपकी तो जम के लड़ना है, ठीक है, आ रहे तो पार। तो ये मेरा रूम आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ प्रिपेयर किया था, लाइक लुक आप देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं डिक्लेयर करूँगा, तो ये तो सब पर्सनल रहेंगे, लेकिन मैं आपसे ओवरव्यू दिखाई देता हूँ। लेकिन भगवान ने साथ नहीं दिया, कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने से पहले कि भगवान को याद कर लिया करो तो वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ, वो चीज़ गलत साबित हो गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से याद करते हैं भगवान को, भगवान को छोड़ के जाओगे कहाँ यार, इस दुनिया में और कुछ है उनके सिवा। तो यही सब सोच यार करते हैं, फिर से इमारतें गिरी हैं तो फिर से उसको बटोर के कलट करके फिर से बनाते हैं, क्योंकि कभी भी डिमोटिवेट हो तो चींटियों का याद कर लो कि जब उसका दाना गिरता है, उसके अंडे गिरते हैं, तो फिर से जाती है, फिर से अपने फूड को कलेक्ट करती है और फिर से वही पहाड़ पे चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। तो गिरना चढ़ना तो लगे गिरा, क्योंकि लूज़र्स क्या होते हैं, वो अटैम्प्ट नहीं करते हैं, तो मुझे तो अटैम्प्ट करना है, मैं लूज़र्स की कैटेगरी में नहीं आना चाहता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी, वाई आई एम स्टॉपिंग द ऑल सोशल मीडिया, और अब की मैं रहूँगा, लेकिन उधर मैं फिर से बता दूँ, उधर जब 1 महीना बचेगा तो फिर से मैं सब स्टॉप कर दूँगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ आप लोग को, मैं फिर से सब स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि GPAT तो इज़ माई प्रायोरिटी एंड आई थिंक आप सबका होना चाहिए अगर आप फार्मासिस्ट हो तो, ठीक है, प्रायोरिटी पर रखो GPAT को, क्योंकि उसके बिना आपकी फ्यूचर का जो ब्राइटनेस है वो झलक के नहीं आता है, क्योंकि उससे ही पता चलता है कि आपकी औकात क्या है। GPAT डिसाइड योर औकात, ठीक है ना, GPAT को टारगेट करो, क्योंकि आप जब भी कोई हाई चीज़, कोई बड़ी चीज़ को टारगेट करते हो तो आपका लेवल हाई होता है, रेज योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड हाई होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो कभी भी छोटी चीज़ पे पीछे मत भागो, क्योंकि छोटी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और बड़ी चीज़ों के लिए मेहनत करना पड़ता है। कहते हैं ना कि झोपड़ियाँ तो 1-2 दिन में बन जाती है, लेकिन महल बनाने में समय लगता है। ताजमहल पता नहीं कितने साल में बना है, कितने महीनों में बना है, आई डोंट नो, लेकिन ताजमहल में भी काफ़ी टाइम लगा होगा। ऐसा ही नहीं कि आज भी वो फेमस है, इतने सदियों पुराना बिल्डिंग आज भी फेमस है। तो ये सब चीज़ सोच के अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई साथ नहीं रहता ना जब आपके, तो लगी पड़ी होती है आपके, ना किसी से किसी के साथ आप कोई चीज़ शेयर कर सकते हो, ना किसी से कुछ बता सकते हो। लोगों का क्या है, लोगों को बहाना मिल जाता है, कई लोग कहते हैं कि
चल छोड़े यार लेकिन लोगों का काम है कहना, अपना काम है कर्म करना, तो कर्म करते रहिए, आप भी करते रहिए, हम भी करते रहेंगे। बाकी हाँ, लास्ट में आपको बता दूँ, मोटिवेट रहो अपने हिसाब से, क्योंकि आपको अपने सिवा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बुक्स ले लो कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, जैसे जीत आपकी बुक बहुत अच्छी है, तो दिस इज़ ऑल द थिंग। और रही बात बी फार्मा वालों की, तो बी फार्मा वाले स्टूडेंट को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने ऑलरेडी मैंने वोटिंग लिस्ट डाल दी है, जिस सेमेस्टर का वोटिंग लिस्ट आएगा मैं उस सेमेस्टर के नोट्स आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो बना के नोट्स शेयर कर दूँगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और अब तो और अच्छे से मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो मेरे अधूरे थे वो भी क्लियर हो चुके हैं, बस अब वही रिवाइज करना है, MCQ की प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल क्रैक GPAT एज माई बिलीफ सिस्टम सेज, ठीक है। और आप लोग भी अगर तैयारी करो डेफिनेटली करो यार, क्योंकि GPAT बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। GPAT के बाद NIPA ट्राई गेट करो, NIPA के बाद PhD करो, हाई लेवल पे जाओ, छोटी मोटी चीज़ों पे कदम मत रखो, क्योंकि छोटी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, उसमें आप लोग खुश नहीं रहना है, ठीक है। जो चीज़ कड़वी होती है वही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होती है। करेला कड़वा होता है लेकिन आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, काला जाम मीठा होता है लेकिन आपको डायबिटीज़ बढ़ाता करता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ सोचो और मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मिस किया आप लोग को, लेकिन वही है ना कि कंट्रोल करके सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सबको त्यागना पड़ता है, लेकिन तब भी कोई चीज़ ना मिले तो ज़बरदस्ती हंसना पड़ता है। चलो ठीक है, बाय।